उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के बेबिरू कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम विभोर में सोलह नवंबर की रात्रि में देवलाल निषाद पुत्र सूरजपाल निवासी ग्राम विभोर की जिसकी उम्र सत्ताईस वर्ष बताई जा रही है छप्पर में सो रहा था साथ में काम करने वाला रामरूप पुत्र भूरा भी जिसकी उम्र छब्बीस वर्ष बताई जा रही है एक बजे देवालाल उसके पुत्र राजू को चाकू से प्रहार कर राजू की हत्या कर दी गई जिससे मौके पर मृत्यु हो गई आज रात लगभग एक बजे से दो बजे के बीच में थाना बबेरू अंतर्गत ग्राम निभौर में हार में तीन व्यक्ति सोए हुए थे जिसमें एक पिता पुत्र थे और तीसरा व्यक्ति उनका काम देखने वाला था रात में उसने राजू नाम के व्यक्ति की चाकू गोद कर हत्या कर दी जब उसने चाकू मारी इस बात पे पिता भी जग गया पिता ने विरोध किया तो पिता को भी उसने चाकू मार दी लेकिन पिता घायल है उसकी स्थिति खतरे से बाहर है इलाज चल रहा है प्रथम दस्तिया इसमें प्रेम प्रसंग का मामला पाया जा रहा है पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है अभी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं जैसे